मैं हूं आशीष चौबे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दरअसल बात कोटा की सबसे पहले करते हैं। कोटा में पिछले 24 दिनों में 23 लोग लंदन से लौटे हैं और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से चिकित्सा विभाग को जो जानकारी मिली है यात्रियों की सूची से जुड़ी हुई, उसमें कहा जा रहा है कि लंदन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया है। दरअसल 70% तेजी से संक्रमित करता है कोरोना का नया स्ट्रेन। सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने SOP जारी कर दी है। सभी 23 लोगों को ट्रेस कर उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है। लंदन से लौटे सभी लोगों के RT-PCR टेस्ट करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल जो नए स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में WHO की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, अब ये चिंता का विषय कि कहीं इन लोगों में तो वैसा स्ट्रेन फाइंड आउट नहीं होता। KK शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। KK, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल आशीष, देखिए जब 23 लोगों की सूची जब प्रशासन को मिली, इमिग्रेशन विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार को मिली जो लंदन से लौटे थे, तो पूरे प्रशासन हड़कंप मच गया। राजस्थान सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए SOP जारी की है। SOP में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो जितने भी लोग वहां से लौटे हैं उन सभी के RT-PCR टेस्ट कराए जाएंगे, साथ ही यदि रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो सभी को हाई सर्वेलांस के तहत रखा जाएगा। तो ऐसे में जब ये सूचना भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को मिली तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि UK के अंदर एक नया स्ट्रेन सामने आया था कोरोना का, जिससे वो 70% तेजी से फैलना बताया जा रहा है। उसी चीज को देखते हुए इस वक्त राजस्थान सरकार किसी तरीके से लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है और अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग उन सभी लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहा है, उन तमाम लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है और साथ ही उन सबके RT-PCR टेस्ट कराए जा रहे हैं। लेकिन ये सूचना मिलने के बाद पूरी तरीके से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था और अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया है। आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया KK आपका इस जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकते हैं ये 23 लोग जो लंदन से लौटे हैं, और लंदन में चूंकि कोरोना की जो नई स्ट्रेन दिखाई पड़ी है जिसको लेकर चिंताएं बढ़ चुकी हैं, इसलिए राजस्थान सरकार भी चिंतित है और साथ ही साथ एक SOP क्या हो सकते हैं नए, उसको लेकर भी शुरुआत हो चुकी है। और चले